सुप्रभातम् नमो नमश्चः शिष्यवराः भवन्तः सर्वे समीचीनः इति अहम् आशां करोमि। अद्य वयं सप्तमी कक्षायां त्रयोदशः पाठः इत्यस्य अस्माकं प्रकरणम् अस्ति कारकसूत्राणि। छात्राः भवन्तः जानन्ति एव यत् कारक प्रकरण अस्माकं कृते यदा वयम् अनुवादं कुर्मः तदा अत्यधिकं कारकस्य आवश्यकता भवति। यः कोऽपि कारकं न जानाति सः समीचीनतया संस्कृते अनुवादं कर्तुं न शक्नोति। यः कोऽपि संस्कृत भाषायां समीचीनतया लिखितुं वाञ्छति चेत् तदा कारकस्य आवश्यकता अस्ति इति कृत्वा अद्य वयं सर्वे कारकप्रकरणं पठिष्यामः। आगच्छन्तु सर्वे। कारके सूत्राणि सन्ति। अस्माकं व्याकरणे षट् कारकाणि के चेते इति अत्र श्यामपट्टे सूत्राणि लिखितानि सन्ति। तदा वयं एकम् एकं सूत्रं स्वीकृत्य तस्य व्याख्यां तस्य उदाहरणानि अपि करिष्यामः। आगच्छन्तु अधुना कारकप्रकरणं पठिष्यामः। सर्वप्रथमः प्रश्नः अस्माकम् अस्ति यत् कारकं किं भवति। अस्माकं मनसि प्रश्नः जायते यत् कारकः किं भवति। अत्र लिखितं मया कारकः किं भवति, अस्य उत्तरम् अस्ति क्रियाजनकं कारकं भवति। क्रियाजनकं कारकं भवति, यः क्रियां जनयति। क्रियायाः जनकं भवति सः कारकः। क्रियायाः जनकं भवति सः कारकः, अर्थात् क्रिया जनयति सः कारकः। अर्थात बच्चों, जो क्रिया का जनक होता है वही कारक कहलाता है। जो क्रिया को पैदा करता है वही कारक कहलाता है। तदा आगच्छन्तु सर्वे। सर्वप्रथमं वयं पठिष्यामः प्रथमं सूत्रं स्वतंत्रः कर्ता। स्वतंत्रः कर्ता, प्रातिपदिकात् लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रेण प्रथमा व्यक्ति। स्वतंत्र कर्ता अर्थात् अस्य सूत्रस्य व्याख्या अस्ति छात्राः क्रियायां यस्य स्वतंत्र रूपेण प्रधानता भवति। क्रियायां यस्य स्वतंत्र रूपेण प्रधानता भवति तत्कारकं कर्ता भवति, अर्थात् सः कर्ता कारकं भवति एव। तदा कर्तरि प्रथमा विभक्ति। तो छात्रा, कर्ता कारकं स्वतंत्र रूपेण प्रधानता क्रियायां यस्य भवति तत् कर्ता कारकं भवति। वयम् अस्य उदाहरणं स्वीकुर्मः। सुरेशः फलं खादति। सुरेशः इति अत्र कर्ता अस्मिन् वाक्ये। सुरेशः अस्मिन् वाक्ये कर्ता। द्वितीयं सूत्रम् अस्ति कर्तुरीप्सिततमं कर्म। कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्तुः ईप्सिततमं कर्म, अर्थात् कर्तुः ईप्सिततमं कारकं कर्म संज्ञं भवति।
कर्तुहु इप्सितमम, अर्थात जो कर्ता को बहुत ही ज्यादा इप्सित हो वह कारक कर्म संज्ञक होता है। अर्थात कर्ता क्रिया द्वारा यद अतिशयेन इच्छति, अर्थात कर्ता क्रिया द्वारा यद अतिशयेन यानी बहुत ज्यादा जो चाहता है वह कर्म कारक होता है। और सूत्र उसका है कर्मणि द्वितीया, इति सूत्रेण द्वितीय व्यक्ति भवति। अत्र उदाहरणम किमस्ति, रमेशः विद्यालयं गच्छति, रमेशः कुत्र गच्छति विद्यालयं, इच्छितमं कर्मः इत्र, अत्र इच्छितमं किम विद्यालयं, अत्र द्वितीय व्यक्तिं कर्म कारकम्। तृतीय सूत्रम अस्ति साधकतमं कर्णम, साधकतमं अर्थात जिसकी सहायता से कोई काम हो, अर्थात क्रिया सिद्धो या अति सेन सहायम करोति, क्रिया सिद्धो यत अति सेन सहायम करोति तत् कारकम कारणम भवति। किसी भी क्रिया के अंदर जो सबसे ज्यादा सहायक जो होता है उसमें कारण कारक होता है। जैसे सा कंदुकेन क्रीडति, सा कंदुकेन क्रीडति, वह बालिका खेलती है, वह बालिका खेलती है लेकिन खेलने में उसको विशेष करके कंदुक अर्थात गेंद अतिशय रूप से प्रिय है, उसकी सहायता से वो खेल पूरा करती है, उसकी सहायता जो हो रही है किसकी, कंदुक की सहायता से खेलती है। तो यहाँ कंदुकेन इति तृतीय व्यक्ति कृतम। चतुर्थम सूत्रम कर्मणा यम भी प्रेति स संप्रदानम, कर्मणा यम भी प्रेति स संप्रदानम, यानी तात्पर्यम तो अहम जानामि सूत्रस्य, दानादि क्रिया यम उद्देश्य क्रियते तत् कारकम संप्रदान संज्ञम भवति, अर्थात हम किसी को दान देते हैं अर्थात किसी को कोई चीज दे करके वापिस नहीं ले जाए, उन्हें ना ले जाए, दे दी यानी दान स्वरूप, उसमें संप्रदान कारक होता है। यथा माता बालकाय मोदकम ददाती, माता बालक को मोदक देता है, चतुर्थी व्यक्ति संप्रदान अर्थ है चतुर्थी व्यक्ति, कर्ता इति प्रथमा कर्मम इति द्वितीया कर्मम इति तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी सूत्रम अस्ति संप्रदाने चतुर्थी इति सूत्रेण चतुर्थी व्यक्ति। तदा अधुना उदाहरणं किम, माता बालकाय मोदकम ददाति, अर्थात यह कोपि दान अर्थे दीयते स अपि संप्रदानम अस्ति। ध्रुवम पाये अपादानम, अपादाने पंचमी, ध्रुवम पाया था ध्रुवम इति निश्चयम्, ध्रुवम किं किंचित वस्तु पृथक भवति तत् अपादान कारकम कथ्यते, अर्थात कोई भी वस्तु किसी भी जगह से अलग हो रही है, यथा वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अर्थात द्विचक्रिकार बालक है पतति, साइकिल से बच्चा गिरता अलग हो रहा है, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे उदाहरण कर सकते हैं, गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालयात प्रभवती अर्थात गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकल के अलग हो रही है अन्यत्र जा रही है। ऐसे अर्थों में बच्चों हम अपादान कारक समझते हैं, और अपादान पंचमी में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है, जिसमें अपादान होता है, अपादान या जिनसे अलग हो रही है उसमें हम पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। और छठा कारक है हमारा आधारो अधिकरणम, और सप्तमी अधिकरण चाहिए, आधारो अधिकरणम, यहाँ अधिकरण कारक हो गया
और सप्तमी अधिकरण च, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। अत्र उदाहरणम अस्ति, छात्राः विद्यालये पठन्ति, छात्राः विद्यालये पठन्ति, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। अधिकरणम इति अधि सिंह स्थान कर्म इत्यपि सूत्रम अस्माकं व्याकरणे अस्ति। तदा यस्य कोऽपि आधारम अस्ति, आधारम स्थित्वा यः कोऽपि अस्ति, तस्मिन् अधिकरणम अधिकरणे सप्तमी विभक्ति भवति। किमर्थम छात्रा विद्यालये पठन्ति, छात्रा पठन्ति तु, परञ्च कुत्र पठन्ति, विद्यालये, विद्यालय में पढ़ते हैं। कटे आस्ते यानी चटाई पे बैठे हैं, बैठे तो हैं, कहीं और कहीं भी बैठे रह सकते हैं। कटे आस्ते कहां बैठे हैं, चटाई पे, जहां जिस चीज के ऊपर आधार लेकर के कोई बैठा हुआ है वहां हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तदा कक्षायाम कुकुटः, कक्षा में मुर्गा है, जो भी जहां आधारो अधिकरण है इति भाव अत्र, तदा भवन्तः सर्वे अवगच्छन्ति अधिकरणे सप्तमी विभक्ति अस्ति। अस्माकं स्मरणार्थं प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठ सप्तमी आधारो अधिकरण इति षष्ठकार का पदं, परञ्च अधिकरणे सप्तमी युक्ति भवति। तदा षष्ठी विभक्ति कुत्र अस्ति, षष्ठी विभक्ति कुत्र भवति इति छात्रः शिष्यः पृच्छति। तदा संबंध विवक्षायां, संबंध विवक्षायां षष्ठी विभक्ति, छात्रों अतिशय विवक्षायां जिसका घनिष्ठ संबंध हो, रामस्य पुत्रः राम का बेटा, मोहनस्य कलमः मोहन की कलम, यानी उसमें उसका अधिकार है, उसके ऊपर उसकी बहुत घनिष्ठता है, उसके अंदर संबंध है, नजदीकी संबंध है, उसके अर्थ में छठी विभक्ति का प्रयोग होता है। व्याकरण लिखितम अस्ति षष्ठी शेषे, इनके अलावा जो शेष रह गया हो वो षष्ठी विभक्ति। जैसे इसका हम कारक के हम देखें तो हमारे सूचक हैं सहतौते कर्म को, कर्ण ने से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान अलग होने में, और सप्तमी विभक्ति में पर पास में, विद्यालय में पढ़ता है उसके पास है, पेड़ पर मोर बैठा है, वृक्षे मयूर है अस्ति, तदा में पर पास सप्तमी विभक्ति। षष्ठी कुत्र शेषे, इनसे जो शेष रह गया अर्थात का की के, जैसे वह उसका भाई है सह तस्य भ्राता है, वह उसकी बहन है सा तस्य भगिनी का की के, दशरथ के चार पुत्र थे, दशरथस्य चत्वारः पुत्राः आसन का की के, ये जो प्रयोग है ये षष्ठी युक्ति में होते हैं। तो बच्चों कारक छह होते हैं व्याकरण में, लेकिन विभक्तियां हमारे साथ होती है, इसलिए षष्ठी विभक्ति में काकी के का प्रयोग और सातवीं विभक्ति में अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। बच्चों हम इसको याद करने के लिए, हम इन कर्ता कर्म कर्ण इनको याद करने के लिए स्मरणार्थम अत्र एक श्लोकम अपि लिखितम अस्ति, आगच्छन्तु पठिष्यामः। कर्ता कर्म च कर्णम च मया सह वदन्तु सर्वे, कर्ता कर्म च कर्णम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणो अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। कर्ता कर्म च कर्णम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे
इत्याहु कारकाणि षट। तो बच्चों कर्ता कर्म करण संप्रदान अधिकरण इस प्रकार से कारक छह प्रकार के बताए गए हैं। तदा अधुना प्रश्न निर्माण कुर्मः कारकम किम भवति, कारकम किम भवति। उपरि लिखितम अस्ति क्रिया जनकम कारकम भवति, जो क्रिया को पैदा करता है जिससे क्रिया उत्पन्न होती है वह कारक कहलाता है। कति कारकाणि भवन्ति, कति कारकाणि भवन्ति। अस्माकं श्लोके उत्तरम अस्ति अस्य कारकाणि षट् भवन्ति, कति षट्, षट् कारकाणि भवन्ति। अत्र षट् इति लेखनीयः, षट् कारकाणि भवन्ति। तदा छात्राः भवन्तः समीचीनतया पाठं पठितवन्तः। अग्रे अधुना वयं किञ्चित् अनुवादं कुर्मः। आगच्छन्तु अनुवादार्थे। अनुवादः प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पञ्चमी षष्ठी। अधुना षष्ठी विभक्ति इत्यस्य अनुवादं वयं अग्रे करिष्यामः। अत्र पश्यन्तु सुरेशः फलं खादति, प्रथमा विभक्ति प्रयोगः। सुरेशः फलं खादति, कः फलं खादति? सुरेशः। द्वितीयम् रमेशः विद्यालयं गच्छति, रमेशः कुत्र गच्छति? विद्यालयं, विद्यालय को दाता है? सः इति सुरेशः प्रथमा, सः तौ ते, को विद्यालयं। तृतीया व्यक्ति सा कंदुकेन क्रीडति, ने से द्वारा, ने से द्वारा। सा कंदुकेन यानी वह गेंद से खेलता है, वह गेंद से खेलती है। माता बालकाय मोदकम ददाती, माता बालकाय किम ददाती? मोदकम। कस्मै बालकाय, बालक को लड्डू देती है, अर्थात यहाँ पे बालकाय थी चतुर्थी, कम बालकाय। कस्मै बालकाय किम मोदकम, तो चतुर्थी युक्ति बालकाय। पंचमी गंगा हिमालयात प्रभवती, अर्थात कुतः प्रभवती? गंगा हिमालयात यानी हिमालय से गंगा निकलती है। छठा अधिकरण कारकस्य उदाहरणम अस्ति छात्राः विद्यालये पठन्ति, छात्राः विद्यालये पठन्ति। छात्राः कुत्र पठन्ति? विद्यालये। सप्तमी विभक्ति प्रयोग है, पंचमी विभक्ति प्रयोग है, चतुर्थी विभक्ति प्रयोग है, तृतीया विभक्ति प्रयोग है, द्वितीय विभक्ति प्रयोग है, प्रथमः विभक्ति प्रयोग है। अधुना षष्ठी विभक्ति छात्रेण शिष्येण पृष्टम् यत् गुरुवरः षष्ठी विभक्ति कुत्र भवति, संबंध विवक्षायां षष्ठी विभक्ति यथा रामस्य पुत्र पठति, राम का पुत्र पढ़ता है। तो बच्चों हम जब अनुवाद बनाते हैं तो अनुवाद बनाने में हमें सर्वनाम शब्दों की बहुत जरूरत पड़ती है। ये सर्वनाम शब्द यहीं पे विद्यमान रहते हैं, चाहे वो लट लकार हो, लोट लकार हो, लिट लकार हो, कोई भी रूप हो, लेकिन इन इस जगह है। जैसे आगच्छन्तु भवन्तः पठिष्यामः, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, एक वचनम, द्वितीय, द्विवचनम, बहुवचनम। सह तौ ते त्वम युवाम युयम अहम आवाम वयम। अधुना पठामः वयम, पठती पठता है, पठंती पठती इत्यस्य अर्थ है सह पठती। यदा वयम सह इति न लिखामः तदपिरपि अत्र सह विद्यमानः पठती अर्थात सह पठती। यदि कोपि लिखती पठती, अस्य हिंदी भवति वह पढ़ता है। रिक्त स्थानम भर्ती पठती, अत्र रिक्त स्थानम अस्ति तदा रिक्त स्थानस्य पूर्ति सह इति करणीयः। तौ पठता है, वे दो पढ़ते हैं, ते पठंती वे सब पढ़ते हैं, पठंती इत्यस्य अर्थम एव ते पठंती वे सब पढ़ते हैं। पठसी, पठसी अर्थात
त्वं पठसि, त्वं पठिष्यसि तू पढ़ेगा, पठ अपठ तूने पढ़ा, अर्थात जो भी लकार हम लिखेंगे लेकिन ये वहां पे विद्यमान रहेंगे। छात्रा एवं अवश्यमेव ज्ञातव्या, युवाम पठथ तुम दोनों पढ़ते हो, युजम पठत तुम सब पढ़ते हो, अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावह हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामह हम सब पढ़ते हैं। तदा छात्रा अस्माकम अनुवाद कार्य तारकस्य महत्वपूर्ण स्थानम अस्ति। यदा वयम अनुवादम कुर्मः तदा कारकस्य महत्वपूर्ण भूमिका अस्ति इति कृत्वा अद्य भवतां कारक प्रकरणं पठित्वान् इति कृत्वा भवन्त आशा से समीचीनतया अवगच्छन्ति एव। धन्यवादः, साधुवादः।